हेनरी, मुझे ये सब घास फूस पसंद नहीं है। सेहत के लिए अच्छे हैं। हेनरी, तुम ये ले जाओगे वरना स्कूल ट्रिप कैंसिल और तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम भी। मेरे अम्मी डैडी मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम तो ठंडा ठंडा चिल चिल आइसक्रीम फैक्ट्री जा रहे हैं। बेचारा पीटर, उसकी क्लास तो उस बोरिंग सड़े पुराने म्यूजियम जा रही है। तूने मेरे जैसी सेम टी शर्ट क्यों पहनी? हाँ, निकाल इसे। मामा ने कहा मैं जो चाहूँ वो पहन सकता हूँ और मुझे यही पहनना है। अच्छा, निकाल। मामा! बस करो हेनरी, वरना पूरा दिन रूम में लॉक कर दूंगी तुम्हें। लेकिन ये मेरे जैसा सेम टी शर्ट नहीं पहन सकता, ठीक है? हेनरी, नखरे बंद करो, किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई जाने कि हम दोनों भाई हैं। ना 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 ना। हेनरी, जल्दी करो। और सुनो बच्चों, आज का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। आइसक्रीम फैक्ट्री आज बंद है। तो इसीलिए हम म्यूजियम जा रहे हैं। म्यूजियम? हम पहुंच ही रहे हैं बच्चों, इसीलिए इतना शोर मत मचाओ। पर हम और कहीं क्यों नहीं जा सकते? म्यूजियम में जाकर हम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नाम है मिसेस क्रंच, CRUNCH, क्रंच। और आज के लिए मैं तुम्हारी गाइड हूँ और तुम सब के लिए मैंने एक स्पेशल टूर भी सोच रखा। मुझे तो डायनासोर देखना है। मुझे भी। सॉरी बच्चों, पर ये नहीं हो पाएगा। हमारा नया डायनासोर पार्क तो फिलहाल बाहर वालों के लिए बंद है। मेरे डैडी ने बोला कि आपके पास मम्मी है। हाँ हाँ बेटा, हम सब की मम्स। मैं भी कितनी फनी हूँ। मतलब कि वो इजिप्ट वाली डरावनी मम्मीज है ना। एक मम्मी। की जगह हमें डायनासोर पार्क बनाना पड़ा है, इसलिए वो भी आप सबके लिए बंद है। ठीक है, खुल जाएगा तो हम भी आ जाएंगे। बदतमीज बच्चे, तुम यहाँ कुछ सीखने आए हो? और जो बच्चे शैतानी करते हैं उनके लिए हमारा बैड बॉय रूम भी है, लेकिन तुम वहाँ ना जाना चाहो तो अच्छा होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो सब मेरे पीछे आओ। बच्चे यहाँ आओ। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा मेन एग्जीबिशन आपको इस जगह का इतिहास बताता है। एक जमाने में यहाँ पेड़ पौधे पूरे इलाके में फैले हुए थे। मेरा गार्डन भी इससे बेटर है। चलो शुरू करते हैं इस मिट्टी से, इस पवित्र धरती की मिट्टी जो वैसी की वैसी है जब से धरती बनी है। देखो इसे, सूंघो इसे, महसूस करो। हमारे देश की मिट्टी आज भी जिंदा है इतिहास के एहसास। जिंदा है, जिंदा है। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये सही कहा मैंने, ये मिट्टी बिल्कुल जिंदा है। देखो इसके अंदर की जिंदगी देखो।
इन्हें पकाकर खा भी सकते हैं। चुप रहो। इन कीड़ों को हम खा भी सकते हैं ना? ऐसा क्यों? चलो जल्दी जल्दी सारे कीड़े इकट्ठे करो। मैं इन्हें हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ हो गया तो। ओहो, डरना बंद करो, ये सिर्फ कीड़े हैं। मिस, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन ऐसे कूदना बंद करो। इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है जिस पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। बहुत ज्यादा। मिस लवली, ये सारे पेड़ और पौधे तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ए, मेरे लिए रुको। दूसरा वाला लंच के बाद ले आएंगे। वाह, क्या टोपी है और तूने स्कर्ट पहना है। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या? इसने कुछ कहा? वो पुतला ये बोलता भी है। अच्छा, अच्छी बात है। तुम चुपचाप अपनी क्लास में जाओ बच्चों। नहीं, वो मेरे भाई की क्लास है। मेरी क्लास इस तरफ है। कैमरा टीम और साउंड टीम, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या आवाज निकाली थी, वो बच्चा अब किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। बाय बाय। ये तुम थे क्या? नहीं। तुमने कुछ कहा क्या? चलते रहो बच्चों, नॉर्मन विलेज की तरफ सीधे सीधे चलो। अलेक्जेंडर पोरस का जमाना, सॉरी यार, मॉडर्न टाइम, कभी भी नहीं, स्पेशल एग्जिबिशन, आहा, डायनासोर। हेलो, कोई अंदर है? हे, तुम्हारा नाखून चाहिए? ये रहा। ओ, ये क्या? रुको रुको बच्चे, सिक्योरिटी, लड़का बाहर की तरफ आ रहा है। उसने नीले और पीले स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट पहनी है। ए, रुक जाओ अभी। जरूर यही कहीं होगा। वो रहा। ओ नहीं। क्या? तुम्हें बैड बॉय रूम में जाना ही होगा। ओ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पीटर तो आज पूरा दिन बहुत अच्छा बच्चा बन के रहा है। नहीं मैडम, ये पक्का वही लड़का है, मैंने इसके टी शर्ट से पहचान लिया। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है,
मिस लवली बचाओ मुझे। घबराओ मत पीटर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब पीटर मुझ जैसे कपड़े नहीं पहनेगा। अब हम अपने टूर के आखिरी राउंड में पहुंच गए हैं और ये देखो सन 1950 की इमारत का मॉडल, जब ये बिल्डिंग टाउन हॉल हुआ करती थी। मिस मैं गलत था, ये म्यूजियम तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। ओह हेनरी वेरी गुड, और अगली बार हम आइसक्रीम फैक्ट्री चलेंगे। हेनरी ये तुमने क्या कर दिया?